बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन, जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह है शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतलियों के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में गणित विषय में 1 से 10 तक गिनना, कक्षा 2 में गणित विषय में संख्याओं का क्रम भाग 3, कक्षा 3 में गणित विषय में 3 अंकों की संख्याओं की समझ भाग 3 व कक्षा 4 में अंग्रेजी विषय में अ ब्रेव ट्राइबल गर्ल। बच्चों, आज हम सीखेंगे 1 से 10 तक गिनना। इनसे मिलिए, यह है चिंटू बंदर। आज ये बहुत खुश है, इन्हें इनाम में ढेर सारे फल मिले हैं और इन्हें इनाम मिला है इस बगीचे की सफाई करने के लिए। जब ये इस बगीचे में आए तो यहाँ खूब गंदगी फैली हुई थी, जिसे इन्होंने बिना किसी की कहे साफ कर दिया। तो माली काका ने खुश होकर इन्हें ये फल इनाम में दिए हैं। अब ये फल पाकर बहुत खुश हैं और इन्हें गिन रहे हैं। तो आइए हम भी इनके साथ गिनते हैं। इन्हें मिला है यह एक तरबूज, 1, और 1 लिखा जाता है इस तरह। पपीते भी मिले हैं, 1, 2, 2 लिखा जाता है इस तरह, 2। 3 अनानास, 1, 2, 3, और 3 लिखते हैं इस प्रकार, 3। इनाम में रसीले रसीले संतरे भी मिले हैं, 1, 2, 3, 4, और 4 लिखते हैं इस प्रकार, 4। यह सेब भी प्राप्त हुए हैं इन्हें, 1, 2, 3, 4, 5, 5, और 5 लिखते हैं इस तरह। ये गुच्छा रसीले रसीले आमों का है, आम भी गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आम मिले हैं और 6 लिखा जाता है इस तरह से, 6। ये आई चेरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल 7 चेरी चिंटू जी को मिली हैं और 7 लिखते हैं इस तरह से, 7। इनाम में ये नाशपाती भी मिली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 लिखते हैं इस प्रकार, 8। वाह, अमरूद भी मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, कुल 9 अमरूद चिंटू जी को मिले और 9 लिखा जाता है इस तरह 9। अरे वाह, ये सुंदर सुंदर स्ट्रॉबेरी भी इनाम में मिली हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल 10 स्ट्रॉबेरी चिंटू जी को मिली और 10 लिखते हैं इस प्रकार 10। तो इस प्रकार बच्चों चिंटू जी ने इनाम में मिले हुए फलों को गिन लिया है। आप भी अपने आसपास की वस्तुओं को, फलों को, सब्जियों को गिनने का अभ्यास करिए। अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 2 में गणित विषय में संख्याओं का क्रम भाग 3। बच्चों, आज हम गिनती के क्रम के और दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। अच्छा हनी, अब तो तुम्हें कोई दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है यह अच्छे से समझ में आ गया है। अब बताओ, यहाँ तीलियों के 3 कार्ड है। कार्ड पर लगाई गई तीलियों की संख्या के अनुसार कार्ड को छोटे से बड़े क्रम में कैसे लगाओगे? पीले रंग के कार्ड पर लगाई गई तीलियों के पहले समूह में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तीलियां। ये 10 के पहले समूह में अगला समूह जोड़े तो कुल तीलियां हो जाएगी 20 और ये 7 बच गई जिसे हमें मिल जाती है कुल 27 तीलियां। और गुलाबी कार्ड पर लगी तीलियां? अरे हाँ, गुलाबी कार्ड पर पहले समूह में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तीलियां। ये 10 के पहले समूह में अगला समूह जोड़े तो कुल तीलियां हो जाएगी 20। 20 में अगर हम अगला समूह जोड़े तो हमें मिलेगी 30 तीलियां, यानी गुलाबी कार्ड पर है 30 तीलियां। और हरे कार्ड पर लगाई गई तीलियां? हरे रंग के कार्ड पर लगाई गई तीलियों के पहले समूह में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तीलियां। ये 10 के पहले समूह में अगला समूह जोड़े तो कुल तीलियां हो जाएगी 20 और ये 4 बच गई जिससे हमें मिल जाती है कुल 24 तीलियां। तो अब समझ गई होगी कि गिनती के क्रम में 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 आते हैं। तो यहाँ सबसे कम तीलियां हरे कार्ड में और सबसे अधिक तीलियां गुलाबी कार्ड में है। तो अगर हम गिनती के छोटे से बड़े क्रम में देखते हैं, तो हम हरे कार्ड को सबसे आगे, फिर पीले कार्ड को और आखिर में गुलाबी कार्ड को रखेंगे। बच्चों, आज हमने तीलियों के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश की कि कौन सी संख्या कम है और कौन सी अधिक। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 3 में गणित विषय में 3 अंकों की संख्याओं की समझ भाग 3। हेलो बच्चों, क्या आपको अप्पू की पार्टी में मजा आया? पिछले वीडियो में हमने 3 अंकों की संख्या को समूह में पहचानना सीखा। इस वीडियो में हम टोकन का इस्तेमाल कर 3 अंकों की संख्या को लिखना सीखेंगे। अप्पू की पार्टी में उसे ढेर सारे उपहार मिले हैं। आइए देखें अप्पू को कौन से उपहार मिले हैं। बनी ने अप्पू को 125 पेंसिल उपहार के रूप में दी है, लेकिन क्योंकि बनी तेजी से गिनने में गड़बड़ करता है,
अप्पू इन्हें दोबारा गिन रहा है। अप्पू एक अनोखी तरह से पेंसिल को गिन रहा है। वो एक पेंसिल को गिन अपने टेबल पर ऐसा एक टोकन जिस पर एक लिखा है रख देता है। जब उसके पास ऐसे 10 टोकन हो गए तो वो उन्हें ऐसे एक टोकन से बदल देता है जिस पर 10 लिखा है। अब आगे जब उसके पास ऐसे 10 टोकन हो गए तो वो उन्हें ऐसे एक टोकन से बदल देता है जिस पर 100 लिखा है। इस तरह अप्पू ने सारी 125 पेंसिल गिन ली। उन्हें एक 100 का टोकन, 2 10 के टोकन और 5 1 के टोकन में दर्शा दिया। अप्पू ने 125 पेंसिल अपने टोकन इस्तेमाल कर गिन लिए। हम ऐसे टोकन से 3 अंकों वाली संख्या को आसानी से पहचान और लिख सकते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर हम कोई भी 3 अंकों की संख्या को अप्पू के 100, 10 और 1 के टोकन में लिख सकते हैं। बड़बोले बतख चाचा ने अप्पू को उपहार में 407 टॉफी दी हैं। क्या आप इन टॉफी की संख्या को 100, 10 और 1 के टोकन में लिख सकते हैं? आइए इसे एक साथ लिखते हैं। हम 407 को विस्तारित रूप में इस तरह लिख सकते हैं। हम 400 को 4 100 के टोकन में लिख सकते हैं। यहाँ कोई 2 अंकों वाली संख्या नहीं है, इसलिए हम कोई 10 के टोकन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे हम 10 के टोकन में 0 लिख के दर्शाएंगे। और 7 को 7 1 के टोकन इस्तेमाल कर इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह हम 407 ट्रॉफी को 100, 10 और 1 के टोकन में लिख सकते हैं। अब अप्पू ने शेर खान के दिए कंचों को टोकन इस्तेमाल कर गिना। उसने 7 100 के टोकन, 6 10 के टोकन और 0 1 का टोकन इस्तेमाल किया। क्या आप शेर खान के दिए कंचों की संख्या को इन टोकन से लिख सकते हैं? आइए इस प्रक्रिया को समझें। 7 100 के टोकन को हम 700 की संख्या में लिख सकते हैं। फिर 6 10 के टोकन हो गए 60 और अंत में कोई भी 1 का टोकन नहीं है, इसलिए हम 1 के टोकन में 0 लिखेंगे। अब हम इस विस्तारित रूप से 3 अंकों की संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। अरे वाह, शेर खान ने अप्पू को 760 कंचे उपहार में दिए हैं। आओ बच्चों, हमने सीखी हुई प्रक्रिया से इस तालिका को पूरी करो। शाबाश बच्चों, आपने ये बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। अप्पू इतने सारे उपहार पाकर देखो कितना खुश है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने टोकन का इस्तेमाल कर 3 अंकों की संख्या को लिखना सीखा। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 4 में अंग्रेजी विषय में अ ब्रेव ट्राइबल गर्ल। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की इंग्लिश बुक का चैप्टर अ ब्रेव ट्राइबल गर्ल। तो बच्चों, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर और ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी। तो आज हम इस लेसन में ये एक बहादुर आदिवासी लड़की की कहानी को पढ़ेंगे। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है और हमें बहुत सारी सीख भी देती है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इसे। कहानी पढ़ने से पहले ज़रा हम कुछ सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला सवाल है, आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? अफ्रेड का मतलब होता है बच्चों डर, और एनीथिंग मतलब किसी चीज़ से।
तो क्या बच्चों आपको किसी चीज़ से डर लगता है, बताइए ज़रा। नहीं ना? यस, आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। और अगर डर लगता भी है तो बताइए ज़रा किससे है, वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ। तो अगर किसी बच्चे को डर लगता है तो आप किससे डरते हैं। तीसरा सवाल है बच्चों, इज देयर एनी ब्रेव वुमेन इन योर नेबरहुड, कि क्या आपके पड़ोस में, नेबरहुड का मतलब होता है बच्चों पड़ोस, तो क्या आपके पड़ोस में कोई एक ब्रेव वुमेन, ब्रेव का मतलब हमने पढ़ा था बच्चों बहादुर, और वुमेन मीन्स औरत, तो क्या आपके पड़ोस में कोई बहादुर औरत है। तो चलिए आज हम एक बहादुर लड़की की कहानी पढ़ते हैं। In a small tribal village in Rajasthan, there lived a girl. तो बच्चों एक tribal village, village का मतलब होता है गांव, और tribal मतलब आदिवासी, तो एक छोटा आदिवासी गांव था राजस्थान में, और वहाँ रहती थी एक लड़की। There lived a girl, lived means रहना। Her name was Seema, और बच्चों उस गर्ल का नाम क्या था, सीमा। सीमा's family was not very poor, और जो सीमा का परिवार था वो बहुत गरीब नहीं था। They had some land, और उनके पास कुछ ज़मीन थी। Some cows and buffalo, और कुछ उनके पास गायें भी थी और कुछ भैंस, buffalo means भैंस भी थी। In the same tribal village, और उसी tribal village में, उसी आदिवासी गांव में, there lived another girl, और वहां पर एक दूसरी लड़की, another means बच्चों दूसरी लड़की भी रहती थी। And her name was Ritu, तो बच्चों देखो पहले जो हम बात कर रहे हैं सीमा की, और जो दूसरी लड़की है उसका नाम है ऋतु। She was brave and beautiful, और जो ऋतु थी वो बहुत ही brave, brave means बहादुर थी, और beautiful बहुत सुंदर भी थी। But she was poor, लेकिन वो गरीब थी। And Seema did not like her, और जो सीमा थी वो ऋतु को पसंद नहीं करती थी। तो बच्चों हमने देखा कि हम दो लड़कियों की बात कर रहे हैं, सीमा और दूसरी है ऋतु। तो जो सीमा है वो गरीब नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो ऋतु है वो गरीब है। डे, एक दिन सीमा टुक हर काउस एंड बफेलोस टू द जंगल फॉर ग्रेजिंग। तो बच्चों सीमा क्या करती है, वो अपनी गाय और भैंसों को जंगल में ले जाती है। टुक हर मीन्स ले जाना, जंगल में ले जाती है फॉर ग्रेजिंग, और किस लिए ले जाती है वो अपनी गाय भैंसों को, ग्रेजिंग के लिए। तो बच्चों ग्रेजिंग का क्या मतलब होता है, चराने के लिए। सीमा लाइक्ड द क्वाइट प्लेस, और जो सीमा है उसे क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, प्लेस मीन्स जगह, तो जो शांत जगह है वो सीमा को पसंद थी। शी सॉ ऋतु अंडर अ ट्री देयर, और फिर सीमा ने किसे देखा, सो मीन्स देखना, ऋतु को। तो ऋतु कहाँ थी, अंडर अ ट्री देयर, वो वहाँ पर एक पेड़ के नीचे थी। तो बच्चों अंडर का मतलब होता है नीचे, तो अंडर अ ट्री पेड़ के नीचे। शी वॉज नॉट हैप्पी टू सी ऋतु, और जो सीमा थी वो ऋतु को देखकर खुश नहीं हुई, क्योंकि बच्चों हमने अभी पढ़ा कि सीमा जो थी वो ऋतु को पसंद नहीं करती थी। हेलो सीमा, ऋतु सेड, तो ऋतु जो है वो सीमा से हेलो कहती है। कम हियर, कम हियर मीन्स यहाँ आओ। तो बच्चों सीमा तो बात नहीं कर रही, लेकिन ऋतु उसे क्या कह रही है, उसे वहाँ बुला रही है। दिस इज़ अ गुड प्लेस, तो ऋतु कहती है सीमा से कि ये एक अच्छी जगह है, प्लेस मीन्स जगह, और गुड मीन्स अच्छी। सीमा डिड नॉट आंसर, और सीमा
उस बात का जवाब नहीं देती, तो आंसर मीन्स जवाब। शी वॉक्ड अवे, और वो वहाँ से चली जाती है। तो बच्चों हमने देखा कि जो ऋतु है वो सीमा को बुलाती है, लेकिन ना तो वो उसके सवाल का जवाब देती है और वो वहाँ से चली जाती है। शी वेंट टू अनदर प्लेस, और वो अनदर, अनदर मीन्स दूसरी जगह पर चली जाती है। देयर वॉज थिक ग्रास एट दैट प्लेस, और वो जो दूसरी जगह पर जाती है वहाँ पर, ग्रास मीन्स घास, तो वहाँ कैसी घास है? थिक मीन्स मोटी, अच्छी घास है। सडनली, अचानक, सीमा हर्ड अ साउंड, हिस, तो सीमा को आवाज़ आती है। कौन करता है बच्चों ऐसे? सांप करता है। देखते हैं आगे क्या होता है। शी टर्न्ड अराउंड, तो सीमा को जो आवाज़ सुनाई दी तो उसने पीछे मुड़ के देखा। देयर वॉज अ बिग पाइथन, और वहाँ कौन था? एक बड़ा, बिग मीन्स बड़ा, पाइथन था। पाइथन क्या होता है बच्चों? अजगर, यस। सीमा वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स डर लगना, तो सीमा जो है वो उस पाइथन को, अजगर को देख करके डर जाती है। द पाइथन अटैक्ड सीमा, और जो वो पाइथन है वो सीमा पर क्या करता है? अटैक, अटैक का मतलब होता है बच्चों हमला। इट कॉइल्ड इट्सेल्फ अराउंड सीमा'स लेग्स, तो वो क्या करता है बच्चों? कॉइल्ड, कॉइल्ड का मतलब होता है कुंडली बनाना, गोल गोल। तो वो क्योंकि अजगर है तो वो अपने आप को कैसे करता है? ऐसे कुंडली, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाता है अराउंड, किसके चारों ओर? सीमा के लेग, मतलब उसके पैर को वो जकड़ लेता है, है ना, गोल गोल घूम जाता है उसके पैरों के पास। शी हैड ग्रेट पेन, और उसे बहुत तेज़ दर्द होता है, तो पेन का मतलब होता है बच्चों दर्द, और ग्रेट मीन्स बहुत ज़्यादा। ओ हेल्प शी क्राइड, और फिर सीमा ज़ोर से चिल्लाती है, क्राइड मीन्स चिल्लाना, ओ हेल्प कि मेरी मदद करो। सडनली देयर वॉज अ ब्लो ऑफ स्टिक ऑन द पाइथन, और फिर अचानक से जो पाइथन के ऊपर एक ज़ोर से, एक लकड़ी से वार होता है। सीमा लुक बिहाइंड, सीमा पीछे देखती है, बिहाइंड मीन्स पीछे और लुक मीन्स देखना, तो अचानक फिर वो पीछे देखती है। देयर वॉज ऋतु, और वहाँ कौन था? ऋतु, तो ये जो हमला किया था, ब्लो मीन्स वार करना ना, तो लकड़ी से जो उस पाइथन के ऊपर वार किया था वो किसने किया था बच्चों? ऋतु ने। ओ ऋतु सेव मी, सीमा क्राइड, और सीमा जोर जोर से चिल्लाती है कि ओ ऋतु सेव मी, मतलब मुझे बचाओ। डोंट वरी सेड ऋतु, ऋतु कहती है चिंता मत करो, तो वरी मीन्स होता है बच्चों चिंता, है ना, तो वो कहती है डोंट मीन्स डू नॉट वरी, चिंता तुम मत करो। शी स्ट्रक ब्लो आफ्टर ब्लो ऑन द पाइथन, और फिर वो क्या करती है ऋतु? वो ज़ोर ज़ोर से एक के बाद एक हमला करती है उस पाइथन पे। बट द पाइथन डिड नॉट लीव सीमा, लेकिन जो पाइथन है, बट मीन्स लेकिन, तो लेकिन जो पाइथन है वो सीमा को नहीं छोड़ता। लीव मीन्स छोड़ना, मतलब उसने जकड़ा हुआ है उसका पैर और वो नहीं छोड़ता। ऋतु देन थ्रू अवे द स्टिक, अब ऋतु क्या करती है? उस स्टिक को, जो उसके पास लकड़ी है, उसे फेंक देती है। तो थ्रू अवे का मतलब है फेंक देना। शी कॉट द पाइथन्स हेड एंड फॉट विद इट यूजिंग हर हैंड्स, अब बच्चों जो ऋतु है वो कितनी बहादुर है, देखिए कि उसने क्या कर दिया। शी कॉट, कॉट मीन्स पकड़ना, द पाइथन्स हेड, वो उस अजगर के सिर को पकड़ती है। एंड फॉट विद इट, फॉट मीन्स लड़ना, और वो उससे लड़ती है यूजिंग हर हैंड्स, अपने हाथों का इस्तेमाल करके। द पाइथन नाउ लेफ्ट सीमा एंड अटैक्ड ऋतु, अब जो पाइथन है, अजगर जो है, वो क्या करता है? सीमा को छोड़ देता है, लेफ्ट मीन्स छोड़ना। एंड अटैक्ड ऋतु, और किसके ऊपर हमला कर देता है? ऋतु के ऊपर। रन अवे सीमा, ऋतु शाउटेड,
अब जो सीमा है वो क्या कहती है, रन अवे सीमा, रितु शाउटेड, रितु कह रही है यहाँ पे सीमा से कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तो रन अवे मतलब भागना। नो रितु, सेड सीमा, अब सीमा जो है वो उसे कहती है नहीं रितु, शी स्टूड देयर, और फिर वो वहीं खड़ी रहती है, स्टूड मीन्स खड़े रहना। सून रितु यूज्ड ऑल हर फोर्स एंड थ्रू द पाइथन अवे, और फिर जल्द ही रितु क्या करती है, अपना पूरा फोर्स मतलब अपना बल इस्तेमाल करती है एंड थ्रू द पाइथन अवे, और उस पाइथन को वहाँ से फेंक देती है। कम सीमा, कम सीमा, शी शाउटेड, और अब वो उसे बुलाती है कि सीमा आओ जोर से। बोथ द गर्ल्स रैन एज फास्ट एज दे कुड, और दोनों ही लड़कियां दौड़ती हैं, रैन मीन्स दौड़ना, एज फास्ट एज मतलब जितनी भी तेजी से वो दौड़ सकती थी। दे रीच द ग्रेजिंग काउस, और वो कहाँ पहुँच जाती हैं, ग्रेजिंग काउस, जहाँ पर जो गायें हैं वो चर रही थी। नाउ अब दे वर सेफ, तो अब वो दोनों क्या हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, तो सेफ मतलब बच्चों सुरक्षित। सीमा लुक्ड एट रितु, तो सीमा जो है वो रितु की तरफ देखती है, लुक्ड एट मतलब देखना। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, और जो सीमा है उसकी आँखों में, आईज में मतलब आँखों में क्या है बच्चों, टीयर्स, टीयर्स का मतलब होता है आंसू। रितु आई एम सॉरी, अब वो सीमा क्या कहती है रितु से कि मुझे माफ़ कर दो, आई वॉज वेरी रूड टू यू, और मैं तुमसे काफ़ी रूड थी मतलब अशिष्ट, मतलब अच्छे से बिहेव नहीं करती थी, काफ़ी कठोर थी तुम्हारे लिए। इट्स ऑल राइट सीमा, वी आर फ्रेंड्स, रितु रिप्लाइड, तो रितु क्या जवाब देती है, इट्स ऑल राइट, ये सब ठीक है, कोई बात नहीं सीमा, वी आर फ्रेंड्स, और हम क्या हैं, दोस्त हैं। वॉजंट रितु अ ब्रेव गर्ल, तो बच्चों देखा कि क्या जो रितु है वो ब्रेव गर्ल नहीं थी, ऑफ कोर्स शी वॉज, बिल्कुल वो एक बहुत ही बहादुर लड़की थी। लेटर शी वॉज अवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवरी, और बाद में उसे इस अपनी ब्रेवरी के लिए, अपनी बहादुरी के लिए अवॉर्डेड, अवॉर्डेड मतलब बच्चों इनाम, तो उसे अपनी बहादुरी के लिए इनाम दिया गया। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से जो रितु है वो एक बहादुर लड़की थी और उसने सीमा की जान बचाई। तो बच्चों अब हम करते हैं कुछ मीनिंग्स। तो अटैक, अटैक का मतलब क्या होता है बच्चों, टू स्ट्राइक इन ऑर्डर टू हर्ट, आक्रमण करना। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है अफ्रेड मतलब भयभीत हो गया, डर गया। क्वाइट, क्वाइट का मतलब है पीसफुल या नॉट नॉइजी, या फिर हम कह सकते हैं शांत। अवॉर्ड, अवॉर्ड का मतलब होता है प्राइज फॉर ब्रेवरी मतलब बहादुरी का इनाम। पाइथन, पाइथन क्या है बच्चों, अ लार्ज स्नेक दैट किल्स एनिमल्स बाय स्क्वीजिंग मतलब जो जानवरों को मार देता है। अजगर, तो पाइथन का मतलब होता है बच्चों अजगर। कॉइल, कॉइल मतलब कुंडली बनाना मतलब इन द फॉर्म ऑफ अ स्पाइरल मतलब गोल गोल। क्राई, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, शाउट। फोर्स, फोर्स का मतलब है स्ट्रेंथ मतलब ताकत, बल। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फीडिंग ऑन ग्रास एटसेट्रा मीन्स चरना, घास आदि खाना। लैंड, लैंड का मतलब है सॉलिड पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ भूमि, जिसे हम कहते हैं ज़मीन भी कहते हैं। स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब हिट, चोट मारना है ना, किसी के ऊपर ज़ोर से हिट करना। रूड,
रूड का मतलब है इम्पोलाइट या अनकाइंड, या फिर हम कह सकते हैं अशिष्ट. सडनली, सडनली का मतलब है बाय चांस, मींस अचानक. टीयर्स, टीयर्स का मतलब है आंसू, लिक्विड कमिंग आउट ऑफ आईज वाइल वीपिंग. तो रोते वक्त जब हमारी आंखों से जो लिक्विड आ रहा है वो क्या होते हैं हमारे बच्चों, टीयर्स, आंसू. वरी, वरी का मतलब है टू फील कंसर्न्ड, मतलब चिंता करना. तो उम्मीद है बच्चों कि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आई होगी और आप भी इसी तरह से बहादुर बनेंगे. बनेंगे सारे बच्चे? ओके बच्चों, थैंक यू. बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा एक में गणित विषय में 1 से 10 तक गिनना, कक्षा दो में गणित विषय में संख्याओं का क्रम भाग 3, कक्षा 3 में गणित विषय में 3 अंकों की संख्याओं की समझ भाग 3, फिर कक्षा 4 में अंग्रेजी विषय में अ ब्रेव ट्राइबल गर्ल. बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में गणित विषय में वस्तुओं के बीच की दूरी भाग 1 व भाग 2, कक्षा 2 में हिंदी विषय में स्नान, कक्षा 3 में हिंदी विषय में मीठे बोल व कक्षा 4 में पर्यावरण विषय में पेड़ पौधों की देखभाल भाग 4. बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर है सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन. इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के शिक्षिका श्रीमती डॉक्टर वर्तिका गुलाटी जी व श्रीमती पूनम कुमारी जी ने आज के वीडियो में अपना योगदान दिया है, तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है. बच्चों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें. कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और डाक द्वारा भेज सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.sikshadarshan2021@gmail.com और डाका एड्रेस है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदयपुर 31301.